हाय गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। आज हम बात करने वाले हैं कौन सेक्शन की ऑफ स्नैप एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही करीब है। सो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड। तो हम बात कर लेते हैं कौन सेक्शन में हमें कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट अ गुड स्कोर। ठीक है, तो पहले तो हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। सो स्नैप एग्जामिनेशन हमारे पास है 60 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट्स, है ना। सो लेट्स से यू आर स्टार्टिंग विथ वर्बल सेक्शन। सो वर्बल सेक्शन में लेट्स से आपने टारगेट किए आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस में से, लेट्स से 10-12 क्वेश्चन आपने टारगेट किए जो कि अच्छे से निकाल रहे थे, लेट्स से आपने 8 मिनट डाला उसमें, ठीक है। फिर आपने एलआर सेक्शन आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में से लेट्स से आपने टाइम इन्वेस्ट किया लेट्स से 30 मिनट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने कौन सेक्शन की। कौन सेक्शन में हमारे पास है 20 क्वेश्चंस। अब उस 20 क्वेश्चन में बाकी के बचे लग से अराउंड आपके 20-22 मिनट जो बचते हैं, आपने वो सारे इन्वेस्ट कर दिए कौन सेक्शन में, ठीक है। लेट्स से ये आपका टाइम इन्वेस्ट करने का पैटर्न था फॉर ऑल थ्री सेक्शंस, ठीक है। तो हम बात करते हैं हम कौन से क्वेश्चन को टारगेट करेंगे कि आपको वो क्वेश्चन बन भी जाए और आसानी से निकल भी जाए, ताकि ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट ना हो, यानी कम टाइम में टू गेट अ गुड स्कोर। तो अब पहले हम देख लेते हैं पिछले साल का पेपर, सो दैट वी गेट अ आइडिया कि कैसे क्वेश्चन थे और कौन से क्वेश्चन को टारगेट करना है। सो लेट्स सी। ओके, सो ये प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इज ऑफ योर ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना तो पड़ेगा समझने के लिए सॉल्व होगा कि नहीं। तो अराउंड 10-20 सेकंड्स आप इन्वेस्ट करो क्वेश्चन में, समझोगे कि हाँ कैसा क्वेश्चन है, होगा कि नहीं होगा, तो आइडिया लगेगा हाँ दैट इट कैन बी, इट इज डूएबल और नॉट। सो पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का मिला, दूसरा क्वेश्चन इज ऑल्सो ज्योमेट्री रिलेटेड बिट, ठीक है। फिर तीसरा ज्योमेट्री है एंड चौथा इज योर अलजेब्रा, ठीक है। फिफ्थ इज ऑल्सो रिगार्डिंग अलजेब्रा एंड लेट्स गो फॉर सिक्स्थ, सिक्स योर टाइम्स फॉर डिस्टेंस एंड सेवंथ इज ऑफ योर सिक्स एलसीएफ एलसीएम है, ठीक है। हाँ सेवंथ इज क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या एट्थ क्वेश्चन योर अगेन ट्रिग्नोमेट्री, नाइन्थ टेंथ क्वेश्चन इज ज्योमेट्री अगेन, इलेवेंथ क्वेश्चन अलजेब्रा हो गया आपका, ट्वेल्थ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क हो गया आपका, 13-14 आपका हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ओके। 15 क्वेश्चंस अगेन बूट एंड स्ट्रीम योर टाइम्स फॉर डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन इज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास, 17th क्वेश्चन आपका क्लॉक एंड कैलेंडर्स का है, एंड 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, 18th क्वेश्चन इज योर प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन की बात करते हैं टाइम्स फॉर डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एंड 20th क्वेश्चन ओके या इट्स योर हाउ मेनी ईयर्स, या अगेन इट्स योर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, वेट एपीजीपी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन हो गया, ओके। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। तो अगर हम ओवरऑल पेपर में हमने जो देखा, तो पेपर में जो क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अराउंड 5 क्वेश्चंस हमें अरिथमेटिक के देखने को मिले हैं। ज्योमेट्री की बात कर ले, ज्योमेट्री के भी अराउंड 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, अलजेब्रा के अराउंड 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर के एक क्वेश्चन, क्लॉक्स का क्वेश्चन एक था हमारे पास, ठीक है। फिर और हम बात कर लेते हैं, फिर और क्या था हमारे पास, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न था, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस आप उन टॉपिक्स को टारगेट करें जो गिवन टाइम में आप कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से अरिथमेटिक के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, देन डू दैट क्वेश्चन। ज्योमेट्री के कर सकते हो, डू दैट क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस कर सकते हो, डू दैट थिंग। टाइम एंड वर्क कर सकते हो, डू दैट थिंग। जो आपसे बन पड़ता है आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को करें। किसी के टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही स्ट्रेंथ है उसके, वो स्ट्रेंथ पार्ट है, देन ही कैन और शी कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। बट मेक श्योर आप क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने वाले हो वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है, भले ही वो आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो या वीक जोन हो, दैट डजंट मैटर। बट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पे आपने अटेम्प्ट किया तो टाइम वेस्ट होगा, आंसर आएगा बट टाइम भी तो गया। सो हियर वी हैव अ गेम ऑफ टाइम, तो टाइम का ध्यान रखना है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। लेट्स से आउट ऑफ दीज 20 मिनट्स में आपने 20 मिनट्स अराउंड दिया कौन सेक्शन को। अब 20 मिनट्स में आपका टारगेट कितना चाहिए, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको राइट करने। अगर आपको टारगेट है अराउंड 40 मार्क्स ओवरऑल लाने हैं,
तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन अगर आपने राइट अटेम्प्ट कर लिए देन योर स्कोर बी फॉर श्योर 40+। सो दैट्स ऑल फॉर कॉन्ट सेक्शन। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज गेट इन टच विद अस। आई विल पुट माई कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द बेस्ट, डू गुड।